नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल द रियल ब्लॉग्स पर। तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमारी मम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। देखो, अब कैमरा घुमा लेते हैं हम। ये है हमारी मम्मी, ये बना रही हैं चूल्हे पर रोटी, और ये हमारे पापा खाना खा रहे हैं यहाँ बैठ के, और ये हमारी भाभी हैं, ये रोटी बेलने में लगी हुई हैं। देखो, और मम्मी गोरी रोटी गोरी गोरी और कारी कारी गोरी गोरी और पतली। हाँ, ये हमारी मम्मी बना रही हैं रोटी। चूल्हे की रोटी खाओ, सेहत बनाओ। गैस की रोटी खाओ और पेट में गैस बनाओ। गैस की रोटी खाओ, पेट में गैस बनाओ। देख लो, और एक यहाँ पे बिलाई चल रही है। देखो, यहाँ से सप्लाई होती है रोटी, यहाँ तवे के लिए, तवे से सप्लाई होती है यहाँ के लिए, और फिर यहाँ से सप्लाई होती है यहाँ के लिए। तो सप्लाई का काम चल रहा है इधर। सर्दियाँ चल रही हैं, इसीलिए चूल्हे पर रोटी बन रही है, नहीं तो फिर गैस पे ही बनती। हाँ, गैस की रोटी से गैस बन जाती है। हाँ, सही कह रही हैं, बहुत देना करेगा। बाहर का अभी क्या करेंगे, ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है सुबह सुबह, इसीलिए चूल्हे पर रोटी बन रही है, क्योंकि इससे तापना भी हो जाता है। बाहर को आदमी कोई ना कर रहा है इसमें। बाहर को आदमी कोई ना कर रहा, सब घर में बैठे हैं, और सिटी वाले इनके घर में तो रूम हीटर लगे होंगे, हमारे घर में तो जे सी चूल्हे लगे हैं। बच्चा खेल रहे हैं जा। और हमारी मम्मी और रोटी सब्जी क्या की बनाई है, मेथी आलू, मेथी आलू की सब्जी बनाई है हमारी मम्मी ने। और वास्तव में चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है, देखो कितनी फूल रही है। कौन कहता है कि बस गैस से एक फ़ायदा होता है कि गैस की रोटी थोड़ी जल्दी बन जाती है, क्योंकि चूल्हे को जलाने में टाइम लगता है, मगर चूल्हे की रोटी में जो स्वाद होता है और सेहत भरी प्रोटीन्स होती हैं, वो गैस की रोटी में नहीं होती हैं। ऐसी गोरी गोरी रोटी बनाई है, ऐसी गोरी गोरी रोटी बनाएंगे। अभी डलेगी तवे पे, तवा डल गया, और हमारे यहाँ आग जलती है कंडे और लकड़ी से। कंडे तो आपको पता ही होंगे, गोबर के थपते हैं, उनसे भरपूर मात्रा में गैस मिलती है। और हेलो मम्मी, बस इतना ही, चलो अब हम बनाते हैं आपका आउटरो, ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी मम्मी के हाथ की रोटियां, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको भी अपने माँ के हाथ का खाना याद आ गया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही कंटेंट मज़ेदार। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।